नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। स्कूल चलो अभियान के स्कूली रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिया बड़ा बयान। कहा, बहुत पहले इसी तरह के भाषा का इस्तेमाल राम जेठ मलानी बोलते थे। जो दवा उनकी हुई थी चंद्रशेखर के दरवाजे पर, वही दवा उनकी भी बाकी रह गई है। वही दवा होगी तो उनका रोग ठीक हो जाएगा, जल्द होगा उनका इलाज। सबसे बड़ा सवाल क्या, जेठ मलानी की पिटाई जिस तरह से चंद्रशेखर के दरवाजे पर हुई थी, उसी तरीके से केजरीवाल की भी पिटाई करने की तैयारी में है बीजेपी। बलिया से नवल जी की रिपोर्ट। अब अरविंद केजरीवाल के बयान को आप इतना गंभीरता से मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक ही दवा उनको बता रहा हूँ कि पहले तो उनके किसी मेंटल अस्पताल में दवा कराना है। दूसरा, एक बार बहुत पहले इसी तरह की भाषा बोलते थे राम जेठमलानी, तो जो दवा उनकी हुई थी चंद्रशेखर जी के दरवाजे पर, मुझे लगता है कि वही दवा उनकी अभी बाकी रह गई है, वो होगी तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। ईद का मौका है, और क्या लगता है कि बीजेपी नवाजियों पर भी ऐसी फूल बरसाएगी? कांवरियों पर फूल बरसाया गया था जिस तरह। देखिए, हर धर्म का अपना अपना धर्म है और हर धर्म के मानने वाले लोगों का अपना अपना कर्म है। तो नवाजी जो जा रहे हैं, नवाजियों पर नमाज करने वाले लोगों को फूल बरसाना चाहिए। जो कांवड़िए जा रहे हैं, वो कांवड़ियों के धर्म को मानने वाले लोगों को फूल बरसाना चाहिए। बात तो सबकी होती है, सांसद सबका होता है। पहले बात तो सुनिए, मुझे कहने दीजिए, या तो आप ही कहिए। सरकार के तौर पर दोनों लोगों की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष ध्यान पर काम भी हो रहा है।